हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक प्राइवेट कंपनी की जॉब की अपडेट लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर मैं आपको फॉर्म फिल करना भी बताऊँगा और साथ ही दोस्तों ये भी बताऊँगा किन किन पोस्टों में वैकेंसी निकल कर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये जो है विश्लेषण कंपनी का कैरियर का पेज है और कैसे कैरियर के पेज पे आपको कैसे फॉर्म को भरना होगा, कैसे अपने रिज्यूम को अटैच करना है एंड कैसे आपको फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरी आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी किस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है एंड यहाँ पे कैसे आपको किस सिटी में आपको जॉब लेनी है, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बना करके देते रहता हूं, ठीक है। तो जल्दी आपको यहां पे नोटिफिकेशन भी ऑल कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी जल्दी आपको मिल सके। तो गाइज़, यहाँ पर बात करेंगे, विश्लेषण कंपनी में जॉब की रिक्रूटमेंट आ चुकी है 2021 के लिए, और मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको कैसे आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ क्या क्या यहाँ पे फैकल्टी मिलनी है, क्या क्या यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन रखी गई है, ठीक है, पूरे प्रोसेस समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी नेम्स के बारे में। तो कंपनी नेम्स यहाँ पर देख सकते हो, विश्लेषण इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि आपको पता ही होगा कि विश्लेषण कंपनी अपनी इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर वेबसाइट जो है मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी गाइस, ठीक है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में जॉब रहने वाली है, किसी भी लोकेशन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल करेंगे तब, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे वेरियस ऑफ पोस्ट दे रखी हैं, विश्लेषण कंपनी में जॉब की वैकेंसी जो निकल कर आ रही है पोस्ट, वो यहाँ पे क्या क्या पोस्ट निकल कर आ रही हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पे रिटेल की है, टेक्निकल इंजीनियर, सेल्स, स्टोर इंचार्ज, हेल्पर, सुपरवाइज़र, टेक्निकल लीड, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। और भी कई सारी पोस्टें निकल कर आ चुकी हैं। जॉब टाइप की बात करें तो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब निकल कर आ चुकी हैं। एज जो रहेगी वो यहाँ पे 18 वर्ष लेकर के 35 वर्ष तक रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 18 से लेकर के 37 वर्ष तक रहने वाली है। विश्लेषण कंपनी में जॉब की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्या रहने वाली है, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, 12th से लेकर के बैचलर डिग्री एंड यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिग्री एंड आईटीआई डिप्लोमा इंजीनियर वगैरह का, जो अभी आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियर वगैरह का, कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। शैक्षिक योग्यता आपकी हर पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। विश्लेषण कंपनी में इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, 8 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 नवंबर 2021 है। सैलरी देख सकते हो, 14,000 रुपये से लेकर के 25,500 रुपये पर मंथ है, जिसमें आवेदन शुल्क आपको कोई भी नहीं देना है, जीरो रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपके बेस्ड ऑन HR इंटरव्यूज एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा एंड और भी यहाँ पे छोटी मोटी स्किल्स हैं वो भी आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीदवार का जो सिलेक्शन है वो इसी वेस्ट पर होने वाला है, ठीक है। और आपको जो ऑनलाइन करना है फॉर्म, वो आपको यहाँ पे वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, और मैंने आपको जो है इसका जो कैरियर का पेज है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आप अप्लाई कर लेना अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रिज्यूम समरी में वो अपना क्या डालना है, अपना पूरा नेम, एड्रेस, क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है, एक्सपीरियंस है नहीं है, ठीक है, सारा कुछ प्रोसेस उसमें रिज्यूम समरी में डाल देना है और रिज्यूम को अपलोड करके सबमिट कर देना है। तो ठीक है दोस्तों,